के बिना विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है बेटा, और बिना विज्ञान के विकास संभव नहीं है। तो धर्म और विज्ञान दोनों का हमको समायोजन करना है, दोनों को साथ लेके चलना है। बेटा देखो, आप क्लास 10 में बोर्ड दिए, 12 में दिए, उसके बाद में तैयारी करने गए, फिर MBBS में हो गया, खूब सारी मिठाइयां बची, बड़ी बेटा MBBS हो गया, अब फिर PG की तैयारी कर रहे हैं, और आपकी मेहनत ने आपको MS भी बना दिया, फिर भी आप नहीं रुके, ना रुके बेटा, आपने फिर से तैयारी की, और आप बेटा MS के ऊपर भी MCA टॉप कर चुके हैं। तो दो लाइन आपके लिए, हमारे मंच को आप स्वागत करने आए हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। तो पहले कृपया जोरदार तालियों से आप स्वागत कर लीजिए। तो बेटा ये दो लाइन आपके लिए है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ लड़ने वालों के लिए कदमों में जहान होता है। कृपया न्यूरो सर्जन हरैया के लिए आप जोरदार ताली से स्वागत करिए। धन्यवाद मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, वंदनीय माँ शारदे। आज वसंत पंचमी भी है, सबसे पहले उसकी भी आप लोगों को बधाइयाँ देता हूँ, गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक बधाइयाँ। तो जनरली मैं स्टेज पे आता नहीं हूँ, आई एम अ बिट ऑफ शाय पर्सन, बट दीना बॉस को धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं आप लोगों से बहुत पहले से चाहता था थोड़ा इंटरेक्ट करूँ, रूबरू हूँ। मेरा ज़्यादातर पार्ट जो होगा आप लोगों से बात करने का, वो आप लोगों की स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके होगा। मैंने काफ़ी दिन पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मैं न्यूरो सर्जन बन पाया, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट उसके साथ स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। बट आप लोग वो शायद, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी से शेयर कर पाते होंगे। एग्जाम्पल के लिए, आप एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में किसी के अच्छे मार्क्स आते होंगे, किसी के कम अच्छे मार्क्स आते होंगे, जिनके कम अच्छे मार्क्स आते होंगे वो शायद किसी से शेयर नहीं कर पाते होंगे, और वो साइकिल जो है वो रिपीटेडली चलती रहती होगी कि नहीं पढ़ पाया, या वट एवर भी कोई भी रीज़न हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सफलता पाने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। जितना भी आप लक्ष्य की तरफ फोकस करके काम करेंगे और जितना स्ट्रेस को मिनिमाइज कर पाएंगे, उतना आप आराम से आगे बढ़ सकेंगे। लाइक एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी तैयारी करी है, बुरा सा बुरा समय भी देखा है, और बॉस ने भी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत बेसिक से उठ करके ऊपर तक गए हैं। तो ये जो मंच, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है, राजीव दीक्षित कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो शायद आपको बहुत अच्छी जगह पे भी ना मिले, और इतने बेसिक जगह पे बहुत ही कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको वो चीज़ मिल रही है। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं आपको, जिनके बारे में मैं सुनता हूँ तो शायद सोचता हूँ कि शायद हमें क्यों नहीं मिला उस टाइम पे, क्योंकि आप अगर आपको सही डायरेक्शन में सही मोटिवेशन मिलेगा और सही तरीके से आपको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दी जाएगी, तो मुझे लगता है आप सबके अंदर वो फैक्टर है कि वो आप MCH के, अगर शायद उसके बाद भी कोई डिग्री होगी, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हो जाए, तो वो आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जो मेहनत करके आप चाह रहे हैं कि आप उस लेवल तक पहुंच सके जहां की आप अभी बेसिक शुरुआत करना चाहते हैं। तो जैसे स्काई इज नो लिमिट, ऊपर आकाश की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह इसकी भी कोई सीमा नहीं कि आप कहां तक जा सकते हैं। शायद आपको खुद, जैसे परिंदे को नहीं पता होती कि उसकी उड़ान कहां तक है, आपको भी नहीं पता आपकी सक्सेस, आपकी उड़ान कहां तक है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब अपने आप में बिलीव रखिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। आपको अब फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपको केमिस्ट्री में कुछ, मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी, मैं भी ऐसे नहीं डिस्कस कर पाता था, बट ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस करते 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 वो चीज़ हो गई। बट मुझे लगता है कि अगर आपको इस लेवल पे ये चीज़ मिल जा रही है, जो शायद हमें कहीं बड़े शहर में जा करके, लखनऊ में या फिर कोटा जाके भी नहीं मिल पाई थी, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही, मतलब आपको कभी बाद में इस बात का पता चलेगा कि आपको जो सुविधा यहाँ मिल जा रही है, शायद वो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जाकर नहीं मिल सकती, और छोटे लेवल पे आप बहुत आसानी से जाकर के अपनी समस्या बोल सकते हैं। जब 500 का बैच होता है तो वहाँ पर कोई आपको सुनने वाला होता है, ना उनको आपको समझने वाला होता है, ना आपसे कोई इंटरेक्ट करने वाला होता है।
तो मेरा ये बस कहना है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो कुछ भी है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जरूर अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। बहुत अच्छे लोग हैं, दे विल श्योरली हेल्प यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अपने आप को खुल करके जाके उनसे बोलिए कि हाँ सर, मेरा ये पोर्शन मुझे वीक लगता है, इस पर मुझे कंसंट्रेट करना है। वो आपको निश्चित रूप से अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से एग्जाम दीजिए और एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय भी जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बॉस, आप हम सबके बीच हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है।